हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं भिंडी की सिंपल सब्जी बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोग के साथ भिंडी फ्राई शेयर की थी। आज मैं सिंपल सब्जी जो कि आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि भिंडी फ्राई तो हर दिन खा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये सब्जी है कि डेली यूज में आप खा सकते हो और बना भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1/2 kg भिंडी ले ली थी और इसको इस तरह से कट कर ली हूँ मीडियम साइज में। अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत धूल गर्दे होते हैं। उसके बाद इसको कट कर लीजिए। और एक कढ़ाई मैं गरम कर दी हूँ, इसमें 3 से 4 चम्मच में तेल डाल दी हूँ। सरसों तेल यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, आप चाहे जो भी तेल खाते हैं वो यूज कीजिए। अब इसको मैं इसमें भिंडी को डाल दूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम पे रखी हूँ, मीडियम फ्लेम पे इसको 15 मिनट तक मैं भूंज लूंगी हल्का। अभी भूंजते टाइम ही मैं नमक डाल दे रही हूँ। अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डालिए, मैं अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ यहाँ पे। और 1 चम्मच में हल्दी पाउडर अभी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर दीजिए और 2-3 मिनट पे इसको मीडियम फ्लेम पे रखिए। और 2-3 मिनट पे इसको बस हल्का सा नीचे से चला दिया कीजिए, 15 मिनट तक इसको। अभी इसको 5 मिनट हुआ है भूनते हुए। अभी मैं इसमें 3 मीडियम साइज का प्याज ले ली थी, इसको छील के कट कर ली हो इस तरह से छोटा छोटा। अब इसको भी मैं एसी में डाल दूंगी ताकि ये साथ में दोनों भून जाए, अलग से हमको टाइम इसके लिए ना देना पड़े। टाइम की भी बचत हो, गैस की भी बचत हो। मिक्स कर लीजिए, दोनों साथ में ये भुन जाएगा। ये देखिए 15 मिनट अभी हो गया है और ये पूरा भुंज गया है जिस तरह का इसको भुनना है मुझे। अब यहाँ पे मैं सब मसाला ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच में यहाँ पे सरसों पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच में यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच गोलकी जीरा पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा पानी दीजिए अभी, ताकि ये मसाला थोड़ा भुन जाए 2 चम्मच भर। और इसको इस तरह से 2 मिनट तक थोड़ा मसाला को भूंज लेंगे। ये भी सब्जी भिंडी फ्राई जिस तरह से हम बनाए थे वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक बार ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा लगता है। अगर भिंडी फ्राई का मेरी रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं 1/2 कप और पानी ऐड कर रही हूँ, 5 मिनट तक इसको मैं फ्राई कर ली थी। अब इसको बनने में 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में पूरा मसाला सब थोड़ा पक जाएगा, थोड़ा भिंडी भी पक जाएगा। उसके बाद 2 मिनट बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए 2 मिनट हो गया है और ये मसाला और भिंडी प्याज भी सब अच्छे से मिक्स हो गया है, पानी भी सूख गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके मैं डाल रही हूँ और अब गैस के फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। तो आपका ये 15 से 20 मिनट में फटाफट सिंपल सी भिंडी की सब्जी रेडी है, जो कि हेल्थ में भी अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको रोटी पराठे के साथ खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। और हाँ, अगर ये मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। और जो नए लोग देख रहे हैं, इस तरह की सिंपल रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।